हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल एडट्रिप के आपका स्वागत है। दोस्तों, इंस्टिट्यूट की तरफ से जो एक अपडेट आया हुआ है, आप लोग को जो पता होगा, जो जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, सारे ग्रुप में जो एक लिंक शेयर हो रहा है गूगल फॉर्म का, जिसमें कि सेशन 2022-26, सेशन 2023-27 के जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी को जो है वो फॉर्म भर के जो है सबमिट करने के लिए बोला गया है। तो वो फॉर्म में क्या है क्या नहीं है, ये से समझेंगे, और कैसे भरना है वो भी हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि सिस्टम की तरफ से जो अपडेट आती है उससे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, जो है आप लोग के सभी के व्हाट्सएप ग्रुप, जितने भी कॉलेज हैं, कॉलेजों के व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है, सभी में जो है एक लिंक शेयर हो रहा होगा गूगल फॉर्म का, और उस लिंक को क्लिक करने के बाद इस तरह से जो आपका फॉर्म खुल रहा होगा, यहाँ पे लिखा होगा अनटाइटल फॉर्म, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ABCID, SKMU दुमका, फॉर द स्टूडेंट ऑफ UG सेशन 2022-26 एंड 2023-27 ओनली। यानी कि सेशन 2022-26 जो अभी सेमेस्टर 2 में है, और एंड 2023-27 जो है सेमेस्टर 1, जो एडमिशन हो चुका है, एग्जाम फॉर्म भरा चुका है। तो इसमें वो लोग को जो है, ये दोनों सेशन वाले को सिर्फ जो है यहाँ पे ये फॉर्म भर के जमा करने के लिए, सबमिट करने के लिए बोला गया है। तो इसमें क्या है ये दोस्तों, ये जो है एबीसी जो है, जैसे आपने एडमिशन कराया था वहाँ पे एबीसी रजिस्ट्रेशन मांगा गया था, सभी ने जो है स्टूडेंट ने एबीसी रजिस्ट्रेशन किया था। मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया भी था कैसे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है एबीसी में, कैसे और वहाँ पे कैसे सबमिट करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन निकलेगा आपका जो एबीसी का, ये सारा चीज हो चुका था। अब जो यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारा स्टूडेंट का जो है एबीसी नहीं पहुंच पाया है, वहाँ पे जो अपडेट नहीं हो पाया, इसीलिए उन्होंने जो ये गूगल फॉर्म निकाला है और सभी स्टूडेंट को ये भर के जो सबमिट करने के बोला गया है, ताकि आपका जो ABCID है, ABC रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो यूनिवर्सिटी को अपडेट हो सके, यूनिवर्सिटी को मिल सके, ताकि आगे फ्यूचर में हो आप लोग को कोई परेशानी ना हो। तो इस फॉर्म को कैसे भरना है ये आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे। तो ये जो है लिंक आप लोग को ग्रुप में मिल गया होगा, अगर नहीं मिला है तो ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके इस पे आ सकते हैं। अगर आपने जो है ABC रजिस्ट्रेशन कर लिया था, ABCID बना लिया था, तो आपको ये फॉर्म भरना है। और अगर आपने ABCID अभी तक नहीं बनाया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक ABCID नहीं बनाए, तो वैसे स्टूडेंट जो है ABCID पहले बनाएंगे, उसके बाद फिर ये फॉर्म को भरेंगे। तो इस फॉर्म को कैसे भरना है, जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे कोई भी आपका मोबाइल हो तो उसमें कोई भी ईमेल आईडी ओपन होगा, तो ईमेल आईडी यहाँ पे आपको शो कर जाएगा, इसी ईमेल आईडी के थ्रू आएगा। तो यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी हो उससे कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पे आपको स्टूडेंट नाम देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्टूडेंट का पूरा नाम डाल देना है, किसी के मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, लैपटॉप सिस्टम जो कंप्यूटर किसी भी कर सकते हैं। स्टूडेंट का पूरा नाम डालना है, फादर का पूरा नाम डालना है, उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है स्टूडेंट का पूरा, उसके बाद जेंडर जो भी है स्टूडेंट का वो डाल देना है, यहाँ पे मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हो। उसके बाद आता है यहाँ पे ABCID। ABCID में जो यहाँ पे आपको जो ABC रजिस्ट्रेशन जो आपने किया था, जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है आपको ABC का, वो यहाँ पे आपको ABC रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। वो कैसे आपको दिखेगा वो भी मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपका ABC का उसको ओपन करेंगे, तो इस तरह से जो आपको देखने को मिलेगा ये कार्ड रहता है, और इसी में जो ABCID और नीचे जो ये नंबर लिखा रहता है जो कि 12 डिजिट का रहता है, यही आपका जो है ABCID नंबर है, ABC नंबर है। तो इसी नंबर को जो वहां पे आपको जो है फिलअप करना है, यहाँ पे जो 12 डिजिट का जो आपको दिखा ABCID वही यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद आता है यहाँ पे रोल नंबर का सेक्शन। रोल नंबर में आपको जो है यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालना, याद रखें यहाँ पे आपको रोल नंबर में जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपको डाल देना है, जो सेशन 2022-26 वाले हैं, जो सेमेस्टर 2 में है 22-26 वाले, वो यहाँ पे इंस्टीट्यूट रोल नंबर डालेंगे जो 12 डिजिट का होता है, और जो सेमेस्टर 1 में सेशन 2023-27 का है उसका जो अभी यूनिवर्सिटी रोल नंबर जनरेट नहीं हुआ है, तो वो क्या करेंगे अपना यहाँ पे कॉलेज का रोल नंबर डाल सकते हैं। कॉलेज का रोल नंबर यहाँ पे आप डाल देंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो अभी जो है उनका जनरेट हुआ ही नहीं है। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दो तरह के आप देख सकते हैं, पहला तो है ये जो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड होता है चांसलर पोर्टल से, वहां से निकाल के आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये SKMU करके जो यहाँ पे डिजिट रहता है ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको आप वहाँ पे आपको डालना है। रजिस्ट्रेशन स्लिप कैसे डाउनलोड कर रहा है इसके रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ था, वो अभी आप देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। दूसरा तरीका है, आपने जो एग्जाम फॉर्म भरा था, एग्जाम फॉर्म भी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मैंने ये एग्जाम फॉर्म यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे ऊपर में आपको देखने को मिल रहा है, इसी रजिस्ट्रेशन नंबर को वहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं है तो एग्जाम फॉर्म को देख के आप रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे डाल सकते हैं।
बाद आता है यहाँ पे कॉलेज, नया मुफ्ता कॉलेज, यहाँ पे आपको जो है अपना कॉलेज का नाम डालना, जो भी आपका कॉलेज हो, जहाँ का भी जो भी डिस्ट्रिक्ट का हो, जो भी एरिया का हो, वो अपना कॉलेज का पूरा नाम यहाँ पे आप डाल देंगे। उसके बाद आता है कोर्स का सेक्शन, कोर्स में आपको जो है आपने क्या लिया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, टिक कर देना है। उसके बाद सेशन आता है, सेशन आप जो है 22-26 वाले हैं या 23-27 वाले हैं, वो आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। अगर आप 22-26 वाले हैं तो यहाँ पे आपका जो है नीचे सेमेस्टर में जो है आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पे जो सेमेस्टर 2 आ जाएगा, क्योंकि 22-26 वाला का अभी सेमेस्टर 2 चल रहा है। अगर आप 23-27 वाले सेशन है तो आपका जो है सेमेस्टर 1 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आप करना, 22-26 वाले सेमेस्टर 2 और 23-27 वाले सेमेस्टर 1, इस तरह से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे अपना मोबाइल नंबर डाल देना, या फिर अपने गार्जियन या फैमिली का किसी का मोबाइल नंबर डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, योर रिस्पॉन्स हैज बिन रिकॉर्डेड, यानी कि जो अपने फॉर्म फिलअप किया वो जो है सबमिट हो चुका है। यहाँ पे यही लिखा हुआ आता है, योर रिस्पॉन्स हैज बिन रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड का मतलब हो वो आपका रिकॉर्ड हो चुका है, वहाँ पे आप यूनिवर्सिटी के पास जो ये अपडेट चल चुका है, तो आपका यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है। इसको अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो इसको जो आपको स्क्रीन शॉट लेके रख लेना है, मान लीजिए कभी आपके कॉलेज में टीचर वगैरह पूछ ले कि आपने किया है या नहीं है, आपने प्रूफ दिखाइए, तो आप इसको दिखा सकते हैं कि मैंने ये कर दिया था, यहाँ पे योर रिस्पॉन्स जो हैज बीन रिकॉर्डेड, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया था, मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आप स्क्रीन शॉट इसको प्रूफ के लिए रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था प्रोसेस जो है यूनिवर्सिटी के साथ, जो गूगल अपडेट फॉर्म जो कि रजिस्ट्रेशन आईडी जो अपडेट करने के लिए बोला जा रहा है, वो इस तरह से जो आपको करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव आप लोग को दिखाती है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए स्टूडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।